देहरादून के नारी निकेतन मामले में इंडिया 24/7 की खबर पर मुहर संवासिनी के जबरन गर्भपात की डीएनए रिपोर्ट में पुष्टि। संवासिनी और जंगल में मिले भ्रूण का डीएनए मैच। यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव के लिए मतगणना जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर 74 जिलों के आएंगे पंचायत चुनाव नतीजे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्ष नहीं लड़ पाएंगे 2017 का विधानसभा चुनाव, पार्टी आलाकमान ने लिया फैसला। पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्द हवा, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। नेशनल अराल्ड मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, ट्वीट कर कांग्रेसियों के डीएनए पर उठाए सवाल। जीएसटी के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आज, सरकार के सौंपे प्रस्ताव पर कांग्रेस बनाएगी रणनीति। संसद में जीएसटी समेत कई अहम बिल किए जाने हैं पेश। संसद पर आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, महिला कांस्टेबल समेत 8 जवान हुए थे शहीद। यूपी के प्रतापगढ़ में अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर एसपी नेता के हत्यारे रमाशंकर यादव को घर में घुसकर मारी थी गोली। 2012 में कांग्रेस की टिकट पर राजा भैया के खिलाफ लड़े थे विधानसभा चुनाव।